Let's do question number 8 of exercise 3B, that is whole numbers. Question number 8 is write true or false for each of the following statement. Hame true or false batane hai is statement mein. Pehla kya hai? The sum of two odd numbers is an odd number. Wo keh raha hai agar do odd numbers hain unka sum odd number hi hai. To dekhiye agar main kehti hu 3 ek odd number hai aur 5 एक ऑड नंबर है, इसका सम ऑड नंबर आया या नहीं आया? तो ये तो इवन आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है द सम ऑफ टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. अब सेकंड पार्ट में कह रहा है दो इवन नंबर का सम इवन ही आएगा. अगर टू इवन है और 4 इवन है तो 6 ही आ रहा है. इसी तरीके से 4 इवन है और 6 इवन है तो हमारा 10 ही आ रहा है. तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स डू लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट इज द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर. वो कह रहा है इवन नंबर का सम और ऑड नंबर का सम, एक इवन और एक ऑड का सम हमारा ऑड ही आएगा. अगर मैं 2 एक इवन नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है, इन दोनों का सम करूं तो 5 आ रहा है, तो ये ऑड है. अगर मैं 4 एक इवन लूं और 7 एक ऑड लूं तो इसका सम भी ऑड ही आ रहा है. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आंसर.